चलिए खबरों को आगे बढ़ाएं, सियासी खबरों से और आपको रूबरू करवाएं कि किस तरह के तमाम जगहों से तस्वीरें अब भी आ रही हैं, क्योंकि अब भी वोटिंग के लिए करीब 2 घंटे का वक्त बाकी है। इसलिए बढ़ चढ़कर हर कोई हिस्सा ले रहा है। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा से हमारे संवाददाता रविकांत ने क्या कुछ बातचीत की, ये आपको दिखाते हैं। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, आप लोगों को क्या लगता है, चुनाव पूरा संपन्न हो गया, कितनी सीटों की उम्मीद है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 300 सीटें लाएंगी, 299 नहीं। यह लहर जो है उसका एक बुनियाद है, 2014 की लहर, नरेंद्र मोदी का लहर आशा पर आधारित थी, ऑप्टिमिज्म पर आधारित थी। 2019 की लहर भरोसे पर आधारित है। 2014 की लहर शहर से गांव की ओर थी, 2019 की लहर गांव से शहर की ओर है। यह ज़्यादा ठोस है, मजबूत है। गांव गरीब हाशिए के लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ पीछे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से अन्य पार्टियों के लिए सुनामी बन गई है। राकेश जी, पिछले 24 घंटे में चंद्रबाबू नायडू 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, तमाम जो विरोधी दल हैं उनको एकजुट करने का प्रयास सोनिया गांधी भी कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं कोई गुंजाइश है इन लोगों के लिए? देखिए, भानुमति का कुनवा बनाने से केंद्र में सरकार नहीं बनती है। नायडू और सोनिया गांधी यही कुनवा बना रहे हैं। 3 दिन का वक्त है उनके पास दिवा स्वप्न देखने का, उन्हें दिवा स्वप्न देखने दीजिए। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है नायडू जी का, वास्तव में उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की फौज यह सोच रही है कि 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अपना बचाव कैसे करें। ये भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों और लोकतंत्र विरोधियों का जमवारा है जिसे जनता ने अस्वीकार कर लिया है। वे हार को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखकर घबराए हुए हैं। इस घबराहट का नतीजा है कि वे एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल में आज भी राजनीतिक हिंसा हुई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उपद्रव मचाया गया। पिछले 7ों चरण की बात करें तो वेस्ट बंगाल में लगातार हिंसा हुई है, आप लोगों ने वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फोकस किया, मेहनत की, वेस्ट बंगाल से क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नग्न फांसीवाद का प्रदर्शन किया है। यह अकेला राज्य है जहां पर लगातार हिंसा होती रही है। चुनाव आयोग भी कुछ मायनों में नाकामयाब रही है हिंसा को रोकने के लिए। चुनाव आयोग चाहती तो मुस्तैदी कर सकती थी, चूंकि कई चरणों में चुनाव हुआ है, केंद्रीय बलों की कमी नहीं थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री स्वयं हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हों, उनकी पार्टी जिहादियों की पार्टी बन गई हो, तो लोकतंत्र के लिए अस्तित्व में रहना कठिन होता है। यह फांसीवाद नाम लोकतंत्र की लड़ाई है जिसमें लोकतंत्र विजयी होगा। चलिए, लोकतंत्र विजयी होगा। और आज लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं और राकेश सिन्हा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 2019 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।